वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आप लोगों की फरमाइश पर बड़ा ज़बरदस्त सा फास्टेस्ट बनने वाला चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोज अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम अपना ये चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम पे हमने किया हुआ है। चले इसमें हम 6 कप यखनी डाल देते हैं। अच्छा देखिए, एक पतीली में मैंने 1 पाउंड बोन वाली चिकन लेके 8 कप पानी डाल के आधा टीस्पून नमक डाला और उसको उबालने के लिए रख दिया। बस वो 2 कप जो है वो जला, 6 कप रह गया स्टॉक और हमने उसको निकाल लिया और ये चिकन जो है उसमें से निकाल के श्रेड कर दी। तो बेसिकली आधा चम्मच नमक डाल के 8 कप पानी डाला बोन वाली चिकन में, क्योंकि ज़ायक़ा ज़्यादा आएगा, और वो पतीली में उबाल लिया। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ये 1/2 कप कॉर्न है, भुट्टा, मकई हमारा फ्रोज़न है और ये फ्रोज़न को ही हमने हल्का सा दरदरा कर दिया है। तो 1/2 कप ये है, 1/2 कप ये, तो अब ये हम डाल देते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास फ्रोज़न भुट्टा नहीं है या मकई नहीं है तो वो आप फ्रेश ख़रीदेंगे, तो आप फ्रेश लेके जैसे चिकन उबालिए उसी के साथ उबाल लें। जब वो उबल जाएगा तो उसके दाने निकाल के सेपरेट कर लें और कुछ को थोड़ा पीस लें। ये इजी है कि एक साथ ही निमट जाएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। चलें अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 क्यूब मैगी की या नोर की, 1 टीस्पून विनेगर, मेरा राइस है आप जो दिल चाहें लें, और 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इसको हम हिलाएंगे। वुडन स्पून ही यूज़ करेंगे, स्टील का नहीं करेंगे। वुडन स्पून जो है वो सूप की कंसिस्टेंसी को सेम रखता है, और जो स्टील का चम्मच है वो उसको, चाहे आप कितना भी कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर डालेंगे, वो पतला करने में हेल्प करता है। तो हमेशा कॉर्न सूप बनाते हुए या स्वीट एंड सार सूप, जिसको भी थिक रखना है, वुडन स्पून इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलें अब हम चूल्हे को ऑलमोस्ट हाई कर देते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी श्रेडेड चिकन। आप चाहें तो कम डालते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें, कम्प्लीटली आप पर है, आपकी चॉइस पर है। देखा, कुछ करना ही नहीं है, बस सारी चीज़ें डम कर दें और वो खुद ही बन जाएगा झटपट से। बस हम उबाल आने का बस वेट कर रहे हैं और फिर अपने कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे। देखिए जब तक इसमें उबाल आता है, हम अपना ये इसमें ऑयल है ये चूल्हा ऑन कर देते हैं। ये हमने कर दिया मीडियम हाई पे। चलें हमारा ऑयल थोड़ा सा प्री हीट हो जाएगा। आपको याद है हमने तौतिया बनाई थी, तो अगर किसी ने तौतिया की वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाएं, बड़ा मज़े की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अभी हम एक अपने कॉर्न सूप को एक मज़ेदार सा ट्विस्ट देंगे इस तौतिया के साथ, इसी के लिए हमने यहाँ ऑयल रखा है। तो चलें अब हम इसको काटते हैं। देखिए हम तौतिया को यूँ फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसकी बारीक बारीक सी स्लाइसेस करेंगे। बस ये देखें, ये इस तरह से बारीक बारीक से कट गई। अब हम अपना सूप देखते हैं। ये देखें सूप बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस दौरान इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। और अब देखें हमारे पास ये 5 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर कॉर्न स्टार्च है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको थिन बनाएं, थिक बनाएं, हमारे यहाँ थिक पसंद किया जाता है। तो इस पर मैं डालूँगी तकरीबन
दो टेबल स्पून के आसपास पानी और इसकी एक थिक सी स्लरी बनाएंगे। ये तो हमारा फिट गया अच्छे से, लेकिन हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, आपकी पसंद पर है कि आपको कितना थिक पसंद है। तो चले इसको अब हम यहाँ रखते हैं और अपने अंडों को फेंट लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप जर्दी स्किप कर सकते हैं, और अगर चाहें तो साठ डाल दें, लेकिन मैं साठ डालूंगी, मज़े का ज़्यादा लगता है इससे। देखिए कितना अच्छा उबल गया। चल अब हम इसमें धीरे धीरे से डालेंगे, आपकी पसंद की कंसिस्टेंसी हो इतना डालना है। एक हाथ से हल्का हल्का डालते जाना और एक हाथ से हिलाते जाना है, और आँखों को सूप पर रखना है कि भाई आपको कितनी कंसिस्टेंसी पसंद है। हमारे यहाँ प्रीटी थिक पसंद किया जाता है। अब हम इसको कॉर्न स्टार्च डालने के बाद दो चार मिनट पकने देंगे, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने तेल की तरफ। देखिए तेल भी गर्म हो गया, बस हीट हमें अच्छी महसूस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें अपनी ये रोटियाँ डाल देते हैं, इसको हम क्रिस्पी करेंगे। बस क्रिस्पी होगी, हम निकाल लेंगे, इससे क्या एक थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा सूप में, मज़ेदार लगेगी। देखें कैसी ईवन कलर हो गई है, और ये देखें आवाज़ भी महसूस हो सकती है, क्रिस्पी हो रही है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। चले अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, और अब हम जाते हैं अपने सूप की तरफ। इसको कवर कर देते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से पक गया है। इस पॉइंट पर आप देखें, अगर आपको लगता है कि आपको और थिक करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कंसिस्टेंसी अगर सही लग रही है तो आप कंटिन्यू करें, और अगर इससे पतला करना है तो कम डालिएगा। चलें अब हम इसमें डालेंगे अंडा, एक हाथ से अंडा डालेंगे और एक हाथ से हिलाएंगे कॉर्न स्टार्च की तरह ही। हमारा सारा अंडा भी चला गया। चले अब हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून सोया सॉस और एक टीस्पून सिरका। अब सूप तो रेडी हो गया है, बस अब हम इसको दो तीन मिनट स्लो पर रखते हैं, जब तक हम अपनी गार्निशिंग पे आते हैं। तो मीडियम लो कर देते हैं। ये हमारे पास सराचा सॉस है, आपके पास जो भी आपको सॉस यूज़ करना हो, ये थोड़ा सा निकालेंगे, जैसे अराउंड एक टेबलस्पून, और इसमें हम पानी थोड़ा सा डालेंगे और इसको डाइल्यूट करेंगे। जैसे कि हमने दो डाल दिया और इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे। तो ये हमारा हॉट सॉस रेडी हो गया। अब जो है ये वाली जो मिर्चें, अगर मेरी तरह आप क्या कहते हैं कच्ची बिल्कुल पसंद करते हैं तो ऐसे ही ले लें, लेकिन मैं क्या करूँगी, सिरका डाल के और 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। अच्छा, ये करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो सिरका जो है ना, वो इमीडिएटली बड़ा फ्लेवरफुल हो जाता है, तेज़ सा हो जाता है, मिर्चें जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो वो क्या सूप में जब मुँह में आती है तो वो मज़ेदार लगती है। तो बस बेसिकली हमें 30 सेकंड रख देना है और लाइफ जो है हमारी ब्यूटिफुल है। चले गार्निशिंग तो रेडी हो गई, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चूल्हा बंद करते हैं और अब हम इसमें डालेंगे सबसे लास्ट इन्ग्रीडियंट सेसमी सीड ऑयल। ये हमारे सूप को एक अलग सी खुशबू देगा, ऐसा लगेगा हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा जाएगा लेकिन ज़बरदस्त लगेगा।
बड़ी ख़तरनाक खुशबूएं आ रही है। चलें इसमें अब हम डाल देते हैं अपना क्वार्टर टीस्पून के आसपास या आधा टीस्पून, जो आपको पसंद हो, ज़्यादा या कम। बस ये डाल दिया, इसकी खुशबू ने ऐसा एहसास दिला दिया जैसे हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। चल अब हम डिश आउट करते हैं। स्पून से चलें, कैसा झटपट जबरदस्त सब बन गया, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही हूं। चलें मैं अपने लिए डिश आउट करती हूँ। अच्छा, गार्निशिंग आप पे है, आप चाहें तो ऊपर बॉइल्ड अंडे भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं। हमने चूंकि अंदर दो डाल दिए हैं इसी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़रूर डालें, मज़े करें। तो सबसे पहले तो हम चिली सॉस डाल देंगे, फिर ये मिर्चें डाल देंगे सिरके वाली, सोया सॉस डालेंगे, स्प्रिंग अनियन डालेंगे, ये हरी प्याज जो होता है ना उसका आखिरी पार्ट, इससे क्रंच आता है और मज़ेदार लगता है। और अब हम इसमें ये जो हमने फ्राई की थी ये डाल देते हैं थोड़ा सा क्रंच करके। भाई मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, भाई मैं तो ट्राई करूँगी ज़बरदस्त किस्म का क्रंच के साथ। सुपर, ज़बरदस्त। अब वो जो लास्ट सेसमी सीड ऑयल जो है उसने इस सूप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसा। वैसे तो सब मिलते जुलते ही बनाते हैं, थोड़ा बहुत मेरी रेसिपी में चेंजेस है और आई गेस आप लोगों को मज़ा आएगा, सिंपल भी है मज़ेदार भी है। बनाएं बनाएं, सर्दियों में खूब इंजॉय करें। आप लोगों की फरमाइश मैंने पूरी की, आप मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।